तो फिर क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। यहाँ लैंग्वेज है ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, ओके, वेर एन कॉमा एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसका क्या करना है, पी डी डिज़ाइन करना है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये लैंग्वेज क्या है, ए पावर एन बी पावर एन के फॉर्म में, और साथ ही साथ क्या है, सी पावर एम। तो दैट मीन्स यहाँ क्या कंपेयर करना है आपका, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी क्या है आपके, इक्वल है, लेकिन सी टू द पावर एम है और सी क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो बेसिकली इसको क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन एंड सी सी स्टार, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एम की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, तो एटलीस्ट क्या होगा, एक सी होगा, उसके बाद सी कितने भी हो सकते हैं। तो दैट मीन्स इसको हम इसके साथ इसको अगर रिलेट कर, दैट मीन्स ए पावर एन बी पावर एन के साथ बेसिकली इसका क्या है, कॉनकैटिनेशन है। ओके, और ए और बी के साथ रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दोनों इक्वल होगा, लेकिन सी ज़रूरी नहीं कि इनके इक्वल, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो दैट मीन्स सी पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो सी क्या होगा, इंडिपेंडेंटली जनरेट होगा। ओके, तो इसका पीडीएफ कैसे डिज़ाइन कर लें करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो सिंपली इनिशियल स्टेट आपकी क्या है, क्यू नॉट, इनपुट सिंबल क्या है, ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, जेड नॉट, पुश ए। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाए हो चुका होगा, यानी जब आपका फर्स्ट ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हो चुका होगा, दैट मीन्स ये वाला इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, जब ए को पुश किए होंगे तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो चुका होगा, ए। तो फिर क्या करेंगे, ए को पुश करेंगे, तो यानी ए टू द पावर एन ये स्टेट शो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या है आपका, ए को हमने पुश कर लिया। उसके बाद जैसे ही आपकी बी की स्टार्टिंग होगी तो क्या करेंगे, ए को पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इनपुट सिंबल बी एंड टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो क्या करेंगे, ए को पॉप करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल है, कौन सी स्टेट पे चले आए, क्यू वन। इनपुट सिंबल क्या हो गया, बी, टॉप ऑफ द स्टैक ए, यानी जितने भी नंबर ऑफ ए पुश हुए होंगे उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, इनको पॉप कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, यानी यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सी की स्टार्टिंग होगी, तो सी के साथ क्या करना है वो देखना है। यानी इनपुट सिंबल सी, टॉप ऑफ द स्टैक, अब क्या हो चुका होगा, जेड नॉट। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ए हमने पुश किए होंगे उतने, यानी सपोज दैट, अगर सपोज दैट ये स्ट्रिंग है ए ए बी बी, सपोज दैट सी, सी कुछ भी हो सकता है, सी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, इसके इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं, इक्वल भी हो सकती है। तो इस ए इन सारे ए को हमने पुश किया होगा, और जैसे ही आपका बी आएगा तो बी से, इस बी से क्या करेंगे, इस ए को पॉप कर देंगे, इस बी से क्या करेंगे, ए को पॉप कर देंगे। तो जैसे ही हम सी पे पहुंचेंगे, इसका मतलब टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या हो चुका होगा, जेड नॉट। ओके, तो इसके साथ हमें क्या करना है, सी के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, तो जस्ट क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो सिंपली सी, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू सपोज दैट क्यू टू। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ सी आ सकते हैं, क्या आपका सी स्टार, तो क्या करेंगे, इसका सेल्फ लूप लगा देंगे, सी, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट। तो क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ सी आएंगे उससे ये एग्जीक्यूशन होता रहेगा, सपोज दैट ये सारे एग्जीक्यूट हो गए, अब लास्ट में आया आपका नल, तो सिंपली क्या कर देंगे, नल एंड टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांजिशन डायग्राम। तो सिंपली क्या होगा, अगर कोई एक ऐसा आपको लैंग्वेज में आपको एक ऐसा सिंबल आ गया जो आपका क्या है, यहाँ ए और बी तो डिपेंडेंट थे, यानी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बोथ आर इक्वल, लेकिन सी इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, यहाँ 4 टाइम्स सी है, 3 टाइम्स सी हो सकता है, 2 टाइम्स सी हो सकता है, या सिंगल सी हो सकता है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ हम कौन सा, यहाँ बेसिकली कौन सा ऑपरेशन हो, स्किप ऑपरेशन, क्योंकि इसको हमें स्टैक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्या है, एक तरीके से ये आपका रेगुलर का पार्ट है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप का, तो उसको हमें क्या करना होता है, सिंपली स्किप हो, यानी उसके लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कहीं हम उसको स्टोर करें, क्यों, क्योंकि उसमें कोई कंपेरिजन नहीं होता। तो सिंपली अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो होगा जहाँ आपका सी स्टार टाइप का आ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। अब यही अगर इसी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर यही होता है, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम और सी टू द पावर एन कर देते हैं। ओके, यानी ए टू द पावर एन और सी, यानी ए और सी का कंपैरिजन होगा कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ सी इक्वल है और बी क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स सपोज दैट एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। तो दैट मीन्स एम की वैल्यू इधर अगर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या करेंगे, जैसे पहले सारे ए को पुश कर लेंगे, अगर इसका हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, क्यू नॉट, यानी इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, पुश ए, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, पुश, सॉरी ए नहीं होगा,
जब पहला ए पुश हो चुका होगा तो टॉप ऑफ द स्टैक ए हो चुका होगा, ओके, यानी सेम फर्स्ट वाला जो स्टेट है वो उसको। अब क्या होगा, इसके बाद बी की स्टार्टिंग होगी, तो बी टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या हो चुका होगा, ए, ओके। तो दैट मीन्स अगर इस सिनेरियो को देखेंगे तो क्या होगा, जेड नॉट ए सारे पुश होते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बी की स्टार्टिंग होगी तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, ए होगा। तो इस टॉप ऑफ द स्टैक को एज इट इज़ रहने देना, यानी जो भी आपके स्टैक एलिमेंट होंगे यानी जितने ए पुश हुए होंगे उनको हमें नहीं चेंज करना, क्यों, क्योंकि बी टू द पावर एम बेसिकली क्या है यहाँ पे, बी बी स्टार है, तो इसको हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमको कंपेरिजन किससे करना है, सी का ए के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो सिंपली क्या करेंगे, लीव इट ए, ओके। और सपोज दैट हम स्टेट क्यू वन पे पहुँच गए, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ बी आए टॉप ऑफ द स्टैक ए होगा, एज इट इज़ ए रहने देंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, फिर जैसे ही आपकी सी की स्टार्टिंग होगी, तो जैसे ही आपकी सी की स्टार्टिंग होगी अभी भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा आपका, ए, क्योंकि हमने बी से ए को पॉप नहीं किया है, बी से ए के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ, सिंपली क्या कर दिए, ए को एज इट इज़ छोड़ दिया, स्टैक का हमने यूज़ ही नहीं किया एक तरीके से। तो क्या करेंगे, अब पॉप करना स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ पहुँच गए, सपोज दैट क्यू टू, और फिर से यही आएगा, सी टॉप ऑफ द स्टैक ए पॉप, ओके। फिर ये स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी आपने ए पुश किए होंगे उतने सी होंगे स्ट्रिंग में, क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ सी के हैं आपके इक्वल हैं। तो नल टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट, ओके। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी, जैसे ये है कि आपका इंडिपेंडेंटली अगर कोई भी आपका सिंबल जनरेट हो रहा है तो उसमें सिंपली क्या करेंगे, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें स्टैक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें उसको कहीं स्टोर नहीं करना, क्योंकि बाद में हमें कंपेरिजन करना ही नहीं। यहाँ ए और सी का कंपेरिजन हो रहा था तो बी को स्किप कर दिए, यहाँ ए और बी का कंपैरिजन हो रहा था तो सी को स्किप कर दें, ओके।